वेलकम टू माय चैनल लाइफ एक्सप्रेस। तो हम एक बार फिर से आ गए हैं लालगंज की फेमस पार्क घीमरिया पार्क, जो कि एकमात्र पार्क लालगंज का, जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं। और यहाँ खूबसूरत सा एक वृक्ष बनाया गया है। इस वीडियो को काफ़ी मैं एक साल पहले बनाया था, और इसके लिए हमारे जो यूट्यूब फैमिली हैं हमको कितनी बार मैसेज किया कि आप फिर से बनाइए, अपग्रेड वर्जन इसका बनाइए। तो हमने नए साल में 2024 में हम आ गए हैं इसको बनाने के लिए। और इसके बाहर का एक दृश्य आप दिखा दीजिए, ये हरे भरे पेड़ पौधों से लेकर, और यहाँ की सामने की दुकान भी आप दिखा दीजिए। और अब हम आपको लेके चलेंगे अंदर, अंदर लेके चलते हैं। 2024 में कैसा अब हो गया है, 2023 में कैसा था, अब क्या अपग्रेड हो गए हैं, हम आपको हर चीज़ें बताएंगे। चलिए अंदर। हम लोग घीमरिया पार्क के अंदर एंटर कर गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी हरियाली है, कितनी अच्छी साफ सफाई यहाँ पर दिख रही है। और जस्ट इसी के बगल में आप लोग देख सकते हैं ये कि मंदिर भी है, और इधर डस्टबिन रखा गया है यूज करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप आते रहिए। और ये जो पेड़ है देखिए कितना विशाल काय पेड़, कितना पुराना पेड़ है, और लोग इसमें मान्यता कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लोग पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए। और ये मंदिर जो कि 2023 में जो हम एक बार वीडियो बनाए थे, तो आप देख सकते हैं ये पोखरी की भी सफाई और हर चीज़ किया गया है इस वीडियो का। मैं चाहूँगा कि आप मंदिर के ऊपर का वो दिखाइए, 2023 में वो चीज़ नहीं बना हुआ था, 2024 में अब वो चीज़ें अपग्रेड कर दिया गया है। धीरे धीरे हर चीज़ अपग्रेड किया गया है। और एक चीज़ अपग्रेड नहीं किया गया, जो कि यहाँ की मान्यताएँ जो यहाँ की प्यार जो है वो चीज़ उसी की तरह ही रहती हैं। और आगे हम चलते हैं, आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाएंगे। पेड़ को आप दिखाइए नज़दीक से, कितना विशाल का है, कितना पुराना वृक्ष और मान्यताओं से घिरा हुआ वृक्ष है। और एक मंदिर आपको इधर जस्ट बगल में, पिछली बार थोड़ी सी गंदगी दिख रही थी, लेकिन इस बार जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से काफ़ी साफ सफाई करके ये बनाया गया है। और ये देखिए दूसरा गेट है, छोटा सा गेट बनाया गया है। और इधर बजरंगबली का मंदिर, जिसको महावीर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसको विजय प्रकाश बर्नवाल द्वारा संस्थापित किया गया था इस मंदिर को। और अब हम चाहेंगे कि 2024 में और क्या क्या हुआ है। जैसे कि ये देखिए लाइट यहाँ पे अपग्रेड कर दी गई है, और बाकी इसका सुंदरीकरण जो कि चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप आगे आइए। और यहाँ पर देखिए चेयर भी लगा दी गई है, जिस पर लिखा गया विजय सोनकर जी चेयरमैन जो यहाँ के हैं, उनके माध्यम से हर चीज़ चल रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ अब अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा सौंदर्यीकरण, ये सब कार्य चल रहे हैं, ये सब बदलाव हो रहे हैं। तो मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने हमसे कहा कि भैया आप जाइए 2024 का वीडियो बनाइए, घीमरिया पार्क एक बार और बनाइए। तो मैंने कहा मैं बनाया हूँ वीडियो, वो लोग कहे कि नहीं हमको न्यू अपडेट चाहिए, नहीं एक वृक्ष ये भी है। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पर आए तो हमको भी लगा यार यहाँ तो बदलाव हो रहा है, हमको वीडियो बनाना चाहिए, हमारी फैमिली हमको सही कह रही थी। तो इसीलिए हम लालगंज का, जो आपने हमको बहुत प्यार दिया, 12K भी गया है उसका, और उसी तरह आप लोग हमको प्यार देते रहिए। और इसीलिए हमने लालगंज का भी न्यू अपडेट 2024 में डाल दिया है, और घीमरिया पार्क में भी डाल दिया। एक बात और कहना चाहूँगा जो कि मैं नहीं बोला हूँ, जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और एक चीज़ ये भी है, जैसे कि आप मंदिर में अगर पूजा करते हैं, यहाँ पर स्नान करने के बाद ये महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए बनाया गया है, ये सब अच्छी व्यवस्थाएँ कुछ अपग्रेड कर दी गई हैं। और एक चीज़ जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि जो धार्मिक रूप से लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम और ये सब दंगे फैलाने की बात करते हैं, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे, जैसे कि हमने पिछली बार भी कहा था कि वहाँ पे देखिए मंदिर है, और यहाँ पर ये बाबा जी हैं, इनकी मज़ार है। तो ऐसा नहीं है, धर्म को सबके धर्म
अपने से प्रिय होते हैं, कोई धर्म खराब नहीं होता है। और इधर जैसे कि बहुत सारे वृक्ष आपको देखने को मिल रहे हैं और हर वृक्ष के नीचे भगवान जी की मूर्ति और हर चीज़ मिल रही है। उधर देखिए खेलने कूदने की सामान हैं, जैसा कि पिछली बार हमने बताया था, और वहाँ पर बच्चा देखिए वो जो कि खेल रहा है। अब बोले कि मजार देखिए, आप लोग देखिए सबके। और तो झूला जो है बच्चों को खेलने के लिए सब सामान हट गए होंगे, लेकिन नहीं, वो सब सामान हैं लेकिन थोड़े अब अलग जगह पे। जैसे वो बच्चा देखिए कितना अच्छे से खेल रहा है उधर, जो कि मैं घूमने वाला, पिछली बार मैं इसी में बैठ के ऐसे घूमा करता था। ये देखिए, ओहो, ये तो बड़ा मज़ा आ गया, आप लोग देख सकते हैं। वाह, आप लोगों को जैसे मुझको भी थोड़ा सा बच्चा बनने का मौका मिल जाता है। और ये जो झूला था थोड़ा सा टूटा है, लेकिन अब ये सब चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार अच्छे काम चल रहे हैं, झूले के लिए ही बनाया जा रहा है, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, झूले टेबल से लेके। और यहाँ पर देखिए एक टेबल बनाया गया है, साफ़ सफाई। ये पार्क और भी अपग्रेड हो रहा है। अब मैं एक बार सोच रहा हूँ कि ये पार्क जब पूरा कंप्लीट बन जाए तो मैं आके दिखाऊंगा। और एक अच्छी बात ये है कि आप चारों तरफ दिखाइए, यहाँ की हरियाली जो है वो बरकरार है। और यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए हैं, जैसे कि पीपल के, बरगद के, ऑक्सीजन, उन सब में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है और ये इंसानों के लिए लाभप्रद होता है, जैसा कि सब लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर देखिए कितना तेज़ी से काम चल रहा है। और ये चीज़ मुझको नहीं पता कि अभी क्या बन रहा है। हाँ, ये चीज़ जैसे कि एक चीज़ वो है, वहाँ पर देखिए रेलिंग लगी हुई है सेफ्टी की दृष्टि से, कि लोग जो पानी है, पोखरा बनाया गया है तालाब, उसमें नहीं जाए। गांव में अक्सर इन सब चीज़ों को पोखरा ही कहते हैं, लेकिन इसको शुद्ध भाषा में बोले तो तालाब। तो चलिए हम और भी आगे लेके चलते हैं कि माननीय नीलम सोनकर जी द्वारा, जो पूर्व सांसद थी, उनके द्वारा ये बनाया गया है बाथरूम, जो कि ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, जिससे कि पार्क में गंदगी नहीं होती है। और ये वृक्ष तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से सब लगाया गया है। यहाँ पर देखिए बाथरूम बनवाया गया है जेंट्स और महिलाओं के लिए, ताकि आप आइए, बच्चों के साथ घूमिए, कोई दिक्कत नहीं हो सुरक्षा की दृष्टि से। और ये नहीं रहता तो पार्क भी और गंदे हो जाते हैं। और गांव के पार्क तो आप लोग जानते हैं, कहीं कोने में लोग चले जाते हैं हर चीज़, तो कोई बन गया है तो उससे और थोड़ा सा साफ़ सफाई रहता। और ये देखिए कूड़ा फेंकने के लिए अलग से बना दिया गया है कि आप इसमें डालिए, डंप करिए, फिर इसको इकट्ठा होने के बाद निकाल के दूसरे जगह ले जाया जाता होगा या तो जला दिया जाता होगा। और यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि 2023 में बहुत दूसरे टाइप था, 2024 में अब बहुत अच्छा बन रहा है। धीरे धीरे पूरा बनने के बाद अब कैसा लगेगा ये अब आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ की हरियाली, कटाई छटाई, यहाँ का मेंटेनेंस हमको इस बार बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे लालगंज के दर्शक, हमारे जो ये सब वीडियो को हमको प्यार देते हैं, हमको और भी अच्छा लगता है, इसी से मोटिवेशन हमको मिलता है। इसीलिए हम अपने YouTube फैमिली के कहने पे हम एक बार फिर से घमरिया पार्क आ गए, जो कि मुझको पता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ कि मेरी फैमिली मुझको इतना सपोर्ट करती है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझको और सपोर्ट करे, ताकि आपका भाई, जो भी आप, जिसका मैं लगूँगा, अपने हिसाब से समझ लीजिए, आपका बेटा, मैं और भी आगे बढ़ूँ, और भी मोटिवेट हूँ, और भी अपने लालगंज का नाम रोशन करूँ। मैं भी लालगंज तहसील से ही आता हूँ, मेरा भी घर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है और लालगंज तहसील में ही आता हूँ। तो आप लोग मुझको और प्यार दीजिए, ताकि मैं अपने लालगंज तहसील का नाम रोशन कर सकूँ। मंदिर के दूसरे छोर पे आ गए हैं, मंदिर से दूसरे छोर पे आ गए हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यानी कि तालाब के दूसरे पार पे आ गए हैं।
तो चलिए हम आपको नीचे से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि हमने कहा खेल झूले पे झूल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये पार्क काफ़ी अच्छा है इंजॉय करने के लिए। मैं आपको चाहूँगा कि नज़दीक से दिखाएं। इधर देखिए बच्चे कितना मस्ती से झूल रहे हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शिवम। तुम्हारा नाम शिवम है? अपुल। अपुल, झूला झूलने में मज़ा आ रहा है? चलो ठीक है, अपुल झूला झूलने में खूब इंजॉय कर रहा है। और अतुल मेरा जो है कि कैमरा पकड़ के वीडियो बनवा रहा है। और इधर देखिए लोग इंजॉय कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। फ्रेंड इधर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं। और आप इधर से नीचे चल के हम यहाँ पर दिखा भी दे रहे हैं आप सभी लोगों को। अतुल इधर तो देखिए, इधर नीचे भी बैठने की व्यवस्था की गई है, जैसा कि चेयर सब कुछ लगाए हैं। और इतनी साफ सफाई से सब कुछ बनाया गया है, ये टाइल्स हो गया और सेफ्टी की दृष्टि रेलिंग हो गया। और ये जैसे कि तालाब जो है कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ की जो है कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ आप दिखा दीजिए एक बार। थैंक यू मेरी YouTube फैमिली, आपने हमको कमेंट किया कि हम एक बार और आएँ, और हमने आया, हमको यहाँ पर अच्छा लगा और यहाँ का बदलाव देख के अच्छा लगा। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं, ये सब चीज़ों देख के हमको अच्छा लगा, हमने भी उसमें इंजॉय किया। तो थैंक यू, आप लोगों ने जैसे सपोर्ट हमको किया वैसे आप लोग हमको सपोर्ट करते रहे। जैसे कि अगर आप लोगों की वजह से, जैसे आप हम बोल देंगे लालगंज मार्केट, अगर लाइफ एक्सेस ब्लॉग्स चैनल नहीं आता लालगंज मार्केट भी बोल देंगे तब भी मेरा चैनल आ जाता है। ठेकमा मार्केट, बादशाहपुर मार्केट बोल देंगे तब भी मेरा चैनल सबसे ऊपर आता है। ये सब अभी आप सभी के प्यार से, प्यार के बदौलत हुआ है। तो थैंक यू, आप लोग हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लव यू आप सभी।